उपमंडल करसो के नागरिक चिकित्सालय में 18 मार्च से 21 मार्च तक जो शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा था उसे अब कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया है, जिसके चलते अब लोगों का पंजीकरण करवाना भी बंद कर दिया है। बताते चले कि ये शिविर 18 से 21 मार्च तक चलना था, जिसमें कि सैकड़ों लोगों द्वारा पंजीकरण भी करवा दिया गया था तथा आकाश हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों के मुफ्त ऑपरेशन किए जाने थे, लेकिन इसमें काफी भीड़भाड़ जमा होने की बात सामने आ रही थी, इसलिए जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार इसे स्थगित कर दिया गया है। खंड चिकित्सा अधिकारी राकेश प्रताप ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के चलते इसे आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। सिविल हॉस्पिटल करसोग में जो मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगाया जा रहा था 18 से 21 तारीख तक, वो सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी, कोरोना वायरस से संबंधित जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसके मद्देनजर इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए करसोग से धर्मवीर गौतम की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।